सबको जय मसीह की। हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक नया अवसर और हमें एक नया मौका दिया है कि हम उसके चरणों में आए, उसकी हुजूरी में आए, उसकी स्तुति और महिमा और उसको आदर दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर जीवित है, वो धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन के द्वारा इस सर्विस को जो भी विश्वासी अटेंड कर रहे हैं, हम उन लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हैं और उन सभी को हम ग्रीट करते हैं। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद हम बाइबल के कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे। उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे दिल को छुएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में बातें करेगा, परमेश्वर हमारे नया मार्गदर्शन देगा और परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद बाइबल अध्ययन में जाएंगे और उसके बाद हम आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता, फिर से परमेश्वर पिता आपने हमें एक नया अवसर दिया, परमेश्वर पिता हमें नया मौका दिया। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, आप कितने प्यारे और आप कितने भले परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया, हम जहां कहीं भी रहे परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपका अनुग्रह, हाँ परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहता है परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपका वचन कहता है कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तू हमें कभी नहीं त्यागेगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज की इस आराधना सभा के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन प्रभु जी, हमारे बीच में परमेश्वर पिता आप उपस्थित होइए परमेश्वर पिता। हालेलुया। जैसा आपका प्रतिज्ञा का वचन कहता है, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हो उनके बीच में मौजूद होता। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपका प्रेजेंस, आपकी हुजूरी, आपके सामर्थ को अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज परमेश्वर हम जितने भी लोग यहां मौजूद है सबको अपने रूह से भर दीजिए, सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। खुदावन परमेश्वर पिता, ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर पिता, जो आज परमेश्वर पिता इस सर्विस को अटेंड कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके दिलों को, उनके मनों को यीशु के नाम से छुए परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर, जो निराश है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आशा भर दीजिए। जो दुख में है परमेश्वर पिता, वो खुदावन परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर पिता आनंद से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर पिता, हालेलुया, आज इस आराधना की सभा के द्वारा परमेश्वर पिता, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदावन तो दया कर परमेश्वर पिता, हम सब तेरे हाथों में समर्पित होते हैं परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना को परमेश्वर पिता सुनने के लिए तेरा धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम बाइबल की पवित्र शास्त्र के कुछ अध्याय को पढ़ेंगे और हमारे बीच में ब्रदर अश्विन है, वो आएंगे और बाइबल के कुछ अध्याय को पढ़ेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ भाग को पढ़ेंगे, और जो कि लिखा है भजन संहिता 125, यहाँ पे ऐसा लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है, जो टलने का नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा, इसराइल को शांति मिले। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के, जैसे हमने पढ़ा है कि यहोवा हमारा एकमात्र परमेश्वर, जो हमारे भरोसे के योग्य हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना में चले और उसके नाम के भजन गाएं, और उसकी उपस्थिति में हम लोग आइए हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़े। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कितना सुंदर वचन और भाई अश्विन ने पढ़े। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सियोन पर्वत के तुल्य है। हालेलुया। वो कभी नहीं टलते हैं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, धर्मी का घर सदा बना रहता है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, धर्मी का वंश सदा जीवित रहता है, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। आइए उस पवित्र परमेश्वर को हम महिमा दे, हालेलुया। अपने अपने आवाज को उठाए, हालेलुया। हम चुप ना रहे, हालेलुया। उस परम पवित्र परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाए, हालेलुया। उस पवित्र नाम का हम धन्यवाद करें, हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। ये गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे।
परेशानियों में, हालेलुया, जब हमें लगता है कि हमारे लिए सब द्वार बंद हो गए, परमेश्वर हमारे लिए नई आशा का द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी कठिनाइयां आती है, ऐसे दुख आते हैं, हमें लगता है कि ये परिस्थितियां हमारे जीवन से कभी नहीं जाएगी, हालेलुया, हम हार मान जाते हैं, हालेलुया, मगर हमें ये याद रखने की जरूरत है, हालेलुया, जब मूसा ने अपने हाथों को उठाया था तब वो अमालिकियों के ऊपर विजय लाभ किया था, हालेलुया, जब इजरायली लोग, हालेलुया, यरीहो के चारों ओर परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे तो यरीहो जैसा मजबूत दीवार टूट गई थी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब पौलुस और सीलास बंदी घर में जब परमेश्वर की आराधना की, हालेलुया, तो उनके सारे बंधन खुल गए, सिर्फ उनके नहीं बल्कि उन्हीं के चारों ओर जितने भी बंदी थे उनके सारे बंधन खुल गए, हालेलुया, जब हम आज परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, हालेलुया, तो हमारे जीवन में भी, हालेलुया, हम सारी परिस्थितियों पर हम विजय लाभ करेंगे, हालेलुया, चाहे हमारे जीवन में कितनी बड़ी बाधाएं हो, कितनी बड़ी कठिनाई हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम, हालेलुया, जब हम परमेश्वर को आराधना करेंगे वो सारे प्रॉब्लम की दीवार यीशु के नाम से गिर जाएंगे, हालेलुया, जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हमारे सारे बंधन टूट जाएंगे, हम सारे बंधन से आजाद हो जाएंगे, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का, हालेलुया, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि आराधना में छुटकारा है और आराधना में चंगाई है, हालेलुया, आइए हम इस गीत को गाएंगे, आराधना में ही छुटकारा, आराधना में चंगाई, इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, हालेलुया, उसे जलाल दें। Time.
परमेश्वर को जलाल देंगे, हम परमेश्वर को महिमा देंगे।
बसते हो परमेश्वर पिता, ना कोई मूर्तों में बसते हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, आप जीवित परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में सबको जय मसीह की। आज की इस ऑनलाइन आराधना में सबका स्वागत है। आज जो
फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, या हमारे ऐप के जरिए से, जो भी इस नाज़रीन आज इस संदेश को देख रहा है, इस आराधना में जुड़ा है, परमेश्वर निश्चय ही सबको स्पर्श करके आशीष देगा। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारे बीच में वो मौजूद है क्योंकि उसका वायदा है, दो या तीन जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ वो मौजूद होता है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इस नए साल में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराने में हमें अनुग्रह किया, दया किया, आज हम जीवित हैं तो उसकी महाकरुणा का फल है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। भाइयों और बहनों, नाज़रीनों, सबका जो है इस नए साल में जो है अभिनंदन। परमेश्वर सबको आशीष देगा, यह नए साल सबके लिए आशीष का साल होगा। बाइबल बताती है भजन संहिता 65 का 11 में, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर ने ये साल हमारे लिए आशीष का साल ठहराया है, हमें उसकी आराधना और उपासना हमें निरंतर करते रहना चाहिए। हालेलुया, आज के इस पवित्र दिन में भाइयों और बहनों, जैसे भी परिस्थिति आपकी है, जैसे भी आप लोग जुड़े हैं, परमेश्वर सबको स्पर्श करेगा, सबकी उम्मीदों को पूरा करेगा, परमेश्वर आशीष देगा। यदि बीमार आए हैं उनको परमेश्वर चंगाई देगा, जिस विश्वास से आए हैं सबको परमेश्वर विश्वास में बढ़ाएगा, सबकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर हमारा महान और भला परमेश्वर है, हमारे बीच में है। आइए, इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। आइए, आँखों को बंद करें भाइयों और बहनों, जहाँ कहीं भी हम लोग बैठे हैं, चाहे हम घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं और इस आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में काम करेगा, आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया, आप परमेश्वर वचन के जरिए से चंगाई देने वाला परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा, जो भी जिसकी ज़रूरत है परमेश्वर उसको पूरा करेगा। और नए साल में परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, विश्वास जानिए, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए निराश मत होइए, आशा के साथ परमेश्वर के पास आइए। आइए हम प्रार्थना करें, जो भी बातें हैं परमेश्वर को बताएं। हालेलुया, और प्रार्थना करें कि आज से ही परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को उंडेले। हालेलुया, प्रार्थना करें, आँखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीषों के लिए परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए परमेश्वर। तू महान और सच्चा परमेश्वर है। पिछले पूरे 12 महीने परमेश्वर, 2021 का साल हमारे लिए आशीष करके दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जब हम इस नए साल को शुरू करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में चाहते हैं परमेश्वर, तेरी अगुवाई हमारे जीवन में चाहते थे, अभिषेक को हम अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर। तू परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो। हर एक भाई बहन को परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर, सबके जीवनों में काम कर, तेरी अभिषेक को परमेश्वर हर एक के जीवन में होने दे परमेश्वर। हालेलुया, तेरी अगुवाई को हर एक के जीवन में तू दे परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे नाम की महिमा के लिए जीवन बिता सके। जिस मकसद से तू इस संसार में आया था वो उनके जीवन में पूरा होने पाए। बहुतायत का जीवन देने तू इस संसार में आया था परमेश्वर, हर एक व्यक्ति उस बहुतायत का जीवन को अनुभव कर परमेश्वर जीवन बिता सके, तेरे नाम की महिमा कर सके, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। ये नया साल हर एक व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर। हालेलुया, आशीष बने परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर। बंद द्वार खुल जाएं परमेश्वर। हालेलुया, सारे रास्ते जो बंद पड़े हैं परमेश्वर, नौकरी के हों या व्यापार के हों परमेश्वर, सबके परमेश्वर दरवाजे खुल जाएं, तेरी महिमा होने पाए, सबको आशीष दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तुझे देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। ये नया साल सबके लिए आशीष का साल होगा, सबको नए साल की शुभकामनाएं। ध्यान से, परमेश्वर के इस साल में हम लोग जो है प्रवेश करने जा रहे हैं, और विश्वास के साथ बने रहिए, परमेश्वर निश्चय ही आप लोगों के जीवन में काम करेगा। हालेलुया, जैसे हम नए साल को शुरू कर रहे हैं, हमें कुछ बातें याद आती हैं, याद करने के लिए हमें, मैं आप लोगों को प्रोत्साहित भी करूँगा। जैसे ही, जैसा कि हम जानते हैं 2022 का नया साल हमारे जीवन में आ गया है, ये बताता है कि हम जो है मृत्यु के नज़दीक आ गए हैं, परमेश्वर के दूसरे आगमन के नज़दीक आ गए हैं। यही नहीं, हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के नज़दीक आ रहे हैं। हालेलुया, हमें परमेश्वर जो है या दो बातें कहेगा। मत्ती की पुस्तक 25:34 में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।
परमेश्वर या तो ये बात कहेगा या फिर जो हम जो परमेश्वर के योग्य फल नहीं लाए, जैसा हमें कहा गया था वैसा हमने जीवन नहीं बिताया, तो हमें या ये होगा या दूसरा बात जो 25 की मत्ती की पुस्तक 25 का 41 में इस प्रकार लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत के आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें परमेश्वर की अगुवाई में जीवन बिताना है। भाइयों और बहनों, जिन्होंने आज तक परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताया है, परमेश्वर निश्चय ही उनको जो है इनाम देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया है वो अधिकार देगा, वो इनाम हमें देगा। हालेलुया। वो मुकुट देगा जो कभी न मुझाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई में हम इस साल को भी हम बिताएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमें संभाले, अगुवाई करे। हालेलुया। पिछले साल नए साल के संकल्प के विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। पिछले साल हमने कैसे बिताया? सबसे पहले पिछले साल क्या हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध सुधरा है? क्या हम परमेश्वर के साथ अच्छी तरीके से जो है उसकी अगुवाई में जीवन बिताया है? उसकी आवाज़ सुनने के विश्वास योग्य रहे? क्या हमने कोशिश की कि परमेश्वर की आवाज़ को सुने, बाइबल को पढ़ें और उसकी आवाज़ को सुने और उसकी अगुवाई में जीवन बिताएं? क्या हमने ऐसा किया है, कोशिश की है? क्या परमेश्वर के साथ का संबंध क्या हमने गंभीरता से लिया है? क्या हमने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर जो है परमेश्वर की वचनों को पढ़कर उसके आवाज़ को सुनने का प्रयास किया है? यदि नहीं, तो यदि आपने परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लिया है, तो आप जो है इस बात को दोबारा से हमें सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, क्या हमने प्रार्थना में दृढ़ रहे हैं? क्या नियमित प्रार्थना की है हमने? क्या हमारी प्रार्थना का स्तर बढ़ा है या कम हुआ है? क्या हमने प्रार्थना हर रोज़ प्रार्थना की है? हमने हर बात के लिए प्रार्थना की है? हर बड़े निर्णय को लेने से पहले क्या परमेश्वर से प्रार्थना की है? क्या प्रार्थना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है? क्या परमेश्वर को हमने प्रथम जाना है? परमेश्वर के साथ का संबंध आपका पिछला साल 2021 का साल कैसे रहा, इस बात का हमें विश्लेषण करना है। हमें बैठकर जांचना है अपने जीवन में। दूसरा, क्या हमारे मसीही भाइयों और बहनों के साथ का संबंध हमारा कैसे रहा? क्या मसीही भाइयों के साथ का प्यार हमारा बड़ा है? क्या हम एक दूसरे से मिलते रहे हैं? क्या हम भाइयों और बहनों से मुलाकात किए? क्या हमने किसी भाई बहन को अपने घर बुलाया है, या फिर हम किसी के भाई के घर, भाई या बहन के घर गए हैं? कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, क्या हमारा संबंध उनके साथ सुधरा है? उनका वो सुधार हमारे जीवन में आया है या नहीं है, ये हमने देखना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तीसरा, क्या हम जानते हैं कि हमारे मसीही भाई बहन कौन हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारे मसीही भाई बहन कौन हैं? कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, क्या हमने किसी से उनका परिचय लिया है? क्या हमने उनसे बातचीत की है? क्या उनके विषय में जाना है, उनके दुख दर्द को जाना है? क्या हमने उनके लिए प्रार्थना की है? क्या उनके करीब आए हैं? क्या हम उनको अपने घर में बुलाकर जो है उनके साथ जो है संबंध बढ़ाया है? ये जो है हमें जानना है। 2021 में क्या हमने ये बातें की हैं, इस बात को हमें जांचना है। हालेलुया। तीसरा, क्या हम जानते हैं कि हमारे मसीही भाई बहन कौन है? तीसरा, क्या हमारा संबंध संसार के साथ सुधरा है? संसार में बहुत से लोग हैं जिनका हमारे साथ संबंध हो सकता है, क्या हमारा उनके साथ का संबंध सुधरा है? परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारा जिम्मेदारी है कि हम लोग जो है अच्छी तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करें। बाइबल बताती है, मत्ती की पुस्तक 5:13-16 में इस प्रकार लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसलिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रख परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह ने कहा कि हम लोग जगत में नमक और ज्योति के समान हैं। क्या हम लोगों ने संसार के लोगों के बीच में
प्रभाव डाला है, सकारात्मक प्रभाव डाला है। क्या हम भले काम करते रहे उनके बीच में और लोगों ने हमें अच्छा समझा है, अच्छे लोग बने हैं उनके सामने, मसीह को हमने क्या प्रतिनिधित्व संसार में रहकर सही से किया है, इस बात को हमें सोचना है। पिछले 2021 के साल में क्या हम लोग जो है सही नमूना जो है जीवन हमने जिया है, इस बात को हमें जांचना है। क्या हम नमक बनकर रहे, नमक जो है खाने में अच्छा स्वाद डालता है। क्या हम लोगों ने पड़ोसियों के बीच में, हमारे दफ्तर में जहां हम काम करते हैं उधर, हम अपने दुकानदारों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में क्या हमने नमक का काम किया है, क्या कोई सकारात्मक प्रभाव डाला है, इस बात को हमें जांचना है। क्या हम ज्योति के रूप में दूसरों का मार्गदर्शन करते रहे, क्या हम लोगों ने अच्छा रास्ता दिखाया लोगों को अपने भले कामों के द्वारा, इस बात को हमें जांचना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। उसी पर तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हमारा दायित्व है कि हम जहां पर भी परमेश्वर ने हमें स्थापित किया है सकारात्मक प्रभाव डालें उन जगह के लोगों के बीच में, उन लोगों को हम अच्छा रास्ता दिखाएं, ये परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। क्या हमने पिछले साल 2021 में लोगों के बीच में जहां पर भी हम जाते थे रहते थे वहां पर सकारात्मक प्रभाव डाला? क्या हम लोगों ने, जो हम मसीह कहलाते हैं, लोगों को रास्ता दिखाया? ये हमारा दायित्व है कि हम जो है अपने स्थान पर, हम लोग मसीह बन गए हैं, हमारा जिम्मेदारी है कि हम जहां पर भी स्थापित किए गए हैं सकारात्मक प्रभाव डालें। यही नहीं, लोगों के लिए अच्छे काम करें, मार्गदर्शन दें लोगों को, अच्छा रास्ता दिखाएं, उनके जीवन में आशीष का कारण बनें। परमेश्वर ने हमें चुना ही इसलिए है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनें, लोग हमें देखकर मसीह को देखें, हमारा स्वभाव मसीह का सा स्वभाव होना चाहिए। क्या हमने 2021 में अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन किया है अच्छे के लिए, इस बात को हमें सोचना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। परमेश्वर ने ये नया साल 2022 हमारे जीवन से जोड़ा ताकि हम इस साल में और आगे बढ़ें, पवित्र और पवित्र हो जाएं, परमेश्वर का सा स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट हो, ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। पौलुस कहता है फिलिपियों की पुस्तक 3:13-14 में, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आने वाले साल के लिए संकल्प लेने में मैं आपको सुझाव दूंगा। हर साल आता है, चला जाता है, बहुत से संकल्प हम करते हैं और जो है बहुतों को हम पूरा भी कर पाते हैं और कुछ जो है छूट जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे संकल्प करें, और मैं सुझाव दूंगा कुछ अच्छे संकल्पों का, ताकि आप लोग उसे जीवन में लागू कर सकें। छोटे छोटे संकल्प हैं जिसको हम अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा और हमारे संकल्पों को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। सबसे पहले परमेश्वर मसीह के नज़दीक जाने का संकल्प। बाइबल बताती है, याकूब की पुस्तक 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट जाओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हमें परमेश्वर के निकट जाना है, हमें परमेश्वर के करीब जाना है, हमें पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र शास्त्र में जो वचन लिखा है उसे पढ़ना है, उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना है। बाइबल बताती है इब्रानियों की पुस्तक 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है,
और प्राण और आत्मा को और गांठ और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हमें बाइबल को नियमित रूप से पढ़ना है और प्रार्थना के साथ पढ़ना है ताकि परमेश्वर का वचन हमारे दिल में बसे और वो काम करने वाला हो जाए। परमेश्वर हमारे साथ बाइबल के वचनों के द्वारा बातचीत करता है। हमें बाइबल को नियमित रूप से पढ़ना है। यदि आपने परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लिया है पिछले साल, तो इस साल हमें परमेश्वर को गंभीरता से लेना है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, तो हमें नियमित रूप से बाइबल को पढ़कर उसमें मतलब को समझना है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। दूसरा, हमें नियमित रूप से प्रार्थना करना है। बाइबल बताती है इब्रानियों की पुस्तक 4:16 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमें परमेश्वर के पास आना है, हर बात के लिए परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर का आगमन निकट है। हम देखते हैं ये महामारी जो अभी आई और नई नई बीमारियां आ रही हैं। हमें डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के पास हियाव बांध कर आना है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन हमें हियाव नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के नज़दीक आना है। इस 2022 के साल में नई नई बीमारियाँ आ सकती हैं, नए नए विश्लेषण हम देख सकते हैं अपने परिवारों में, बहुत सी अशांति की बातें हो सकती हैं हमारे जीवन में आए, हो सकता है आपकी नौकरियों में परेशानी, व्यापार में परेशानी, आपके परिवार में जो अशांति हो सकता है, लेकिन परिवार के हर बात को, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को परमेश्वर के सन्निधान में लेकर आना है। हियाव नहीं छोड़ना क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर भी देता है। हालेलुया, हमें बाइबल पढ़ना है। यदि पिछले साल हमने बाइबल नहीं पढ़ा तो इस साल बाइबल नियमित रूप से पढ़ें, पुराने नियम को पढ़ें, नए नियम को पढ़ें, नियमित रूप से पढ़कर उसका अर्थ निकालकर उसको अपने जीवन में लागू करने का पूरा प्रयास करें। दूसरा, हमें प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना, हमें प्रार्थना करना है, नियमित रूप से प्रार्थना करना है। हमें धन्यवादी होना है। हालेलुया, बाइबल बताती है कुलुसियों की पुस्तक 4:2 में, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया, हमें प्रार्थना करते रहना है और धन्यवादी रहना है। हमें दानियल की तरह जीवन में 3 दफ़ा प्रार्थना करनी है, रोज 3 दफ़ा 3 बार प्रार्थना करनी है। प्रार्थना को हमें हल्के में नहीं लेना है, व्यक्तिगत प्रार्थना को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, प्रार्थना नियमित रूप से आप लोग करें। हालेलुया, हमें प्रार्थना में लौलीन रहना है, परमेश्वर को हर बात को बताना है। परिवार की समस्या हो, आपके व्यापार की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, आपके गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी हो, हर बात को परमेश्वर को बताना है। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के सन्निधान में हमें आना है। हालेलुया, परमेश्वर के करीब जाने का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, हमें प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया, परमेश्वर हमें आशीष देगा। विश्वासियों के नज़दीक जाने का संकल्प करें। सबसे पहले हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है ताकि हम आशीष के कारण बने। दूसरा, हमें विश्वासियों के नज़दीक जाना है। हमें कलीसिया के विश्वासियों की सूची बनानी है, उनके हर एक का नाम जानना है, उनका फ़ोन नंबर लेके उनसे बातचीत करनी है, उनसे संपर्क करना है, उनकी ज़रूरतों को अपनी सूची में लेना है और प्रार्थना करना है उनके लिए। उनको अपने घर में बुला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोग दावत दें, वैसे भी बुलाकर
उनको उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनको जानना है। एक दूसरे के साथ मिलकर हम प्रार्थना जब करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, शीघ्र देगा। हालेलुया, परमेश्वर महान और सच्चा परमेश्वर है। आप भी, हो सकता है वे आपके घर ना आ पाए, तो आपको चाहिए कि आप समय निकाल कर उनके घर जाके उनके साथ प्रार्थना करें, उनकी समस्याओं का सुधि लें। परमेश्वर जरूर आशीष का कारण बनाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तीसरा, हमें अन्य जाति लोगों को जानने का प्रयास करना है। बहुत से अन्य जाति लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रभाव डालें। बाइबल बताती है, गलातियों की पुस्तक 6:10 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हमें सबके साथ भलाई करनी है, खास करके विश्वासी भाइयों के साथ। हमें पक्षपात नहीं करना है, सबके साथ भलाई करनी है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी, सबकी सुधि लेनी है। यदि कलीसिया में पहली बार कोई व्यक्ति आया है जो यीशु मसीह को पहली बार सुन रहा है, तो उनके प्रति हमें अच्छा जो है बात करना है, उनको जो है हमें मसीह के राग में चलाना है, उनके उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना है, उनको अपने घर में बुलाकर उनका जो है सुधि लेनी है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। हालेलुया, हो सके तो पूरा करना है, नहीं तो प्रार्थना करना है। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में इस 2022 के साल में हम लागू करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर निश्चय ही इन छोटी छोटी बातों को जो आप करेंगे, संकल्प ले रहे हैं और करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपका मसीही जीवन आशीषित होगा, आप लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, मसीहियों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, आपके समाज के लिए आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। समय थोड़ा है, इसलिए हमें चाहिए कि समय का जो है सदुपयोग करें, समय को व्यर्थ न जाने दें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नज़दीक जाएँ, विश्वासियों को जाने, उनके नज़दीक जाएँ, उनके साथ का संबंध आपका अच्छा होना चाहिए। अविश्वासियों को भी और जाने और उनके लिए भी जो है आप लोग प्रार्थना करें, उनके उनको जो है अपने जीवन में जो है समय, उनके लिए भी समय निकालें। परमेश्वर आपको जो है आशीष का कारण बनाएगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, आशीष देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने हमें ये 2022 का साल हमारे जीवन से जोड़ा। हालेलुया, बाइबल बताती है इफिसियों की पुस्तक 5:15-16 में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए क्योंकि दिन जो है बुरे हैं। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए हमें अपने आप को जो है सुधारना है। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ का हमारा संबंध और सुधरना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए। हमें बाइबल को नियमित रूप से पढ़ना है, और हो सके तो आप लोग एक वाचा बांध लें कि हम जो है पूरे साल में बाइबल को पढ़ लेंगे, और पूरी तरीके से पढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, और प्रार्थना करने में जो है पीछे ना हटें, प्रार्थना में अपना समय बिताएं, हर बात के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना में दृढ़ होते चले जाएं। परमेश्वर के साथ का संबंध आपका बढ़ना चाहिए, आपकी प्रार्थना का स्तर बढ़ना चाहिए, आत्मा में प्रार्थना करें, परमेश्वर निश्चय ही आप लोगों को आशीष देगा। दूसरा, विश्वासियों के साथ का संबंध आपका अच्छा होना चाहिए, अविश्वासियों को भी आप लोग जो है अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दें, उनको उनके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप लोगों को जो है निश्चय ही 2022 का ये साल आपके लिए आशीष का साल होगा, परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करके जो है परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि 2022 का ये नया साल जो हमें परमेश्वर ने दिया है वो हमारे लिए आशीष का कारण बने, और हम लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें, हम परमेश्वर को और जानें,
परमेश्वर हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करेंगे। भाई और बहनों, जैसी भी आपकी ज़रूरत है परमेश्वर के समक्ष लेकर आएंगे, परमेश्वर जरूर उन ज़रूरतों को पूरा करेगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयावंत, करुणानिधान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर जो आज इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ा है, 2022 के पहले दिन परमेश्वर तेरी वचन को सुन रहा है परमेश्वर, भाइयों और बहनों के जीवन में परमेश्वर तू मदद कर कि वे लोग अच्छे संकल्प ले सकें। हालेलुया, अनुग्रह कर, दया कर, सबको आशीष दे, तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये नया साल सबके लिए आशीष का साल होने पाए परमेश्वर, सारे बंद दरवाजे खुल जाएं परमेश्वर, जो भी जिसकी जरूरत है वो पूरी होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, अनुग्रह कर, दया कर, तेरी महिमा होने पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सब कहें आमीन, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए, आमीन। सबको जय मसीह की, और ये नया साल सबको मुबारक हो।